रविकांत वर्मा, लखनऊ मंडल अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। आज हम लोग जो है यहाँ पर जीपीओ पार्क पे धरने के लिए एकत्र हुए थे और जो है हमारी मेन मांग जो पुरानी पेंशन बहाल की जाए, आउटसोर्सिंग बंद की जाए, दैनिक कर्मचारियों को नियमित किया जाए, ऐसे 16 सूत्री हमारी मांगे हैं। कुछ मांगों पे हमारी जो है सरकार के साथ सहमति बनी थी, लिखित समझौता हुआ था, लेकिन आज तक उसका लागू नहीं किया गया है। इसी के क्रम में हम लोग आज धरना दिए थे प्रदेश नेतृत्व में। आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा इससे बड़ा धरना आगे किया जाएगा। हमारा ये प्रस्तावित धरना जो कर्मचारियों के समस्याओं के निराकरण में उत्तर प्रदेश सरकार जो है सुन नहीं रही है। हमारे कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली, वेतन विसंगत, कर्मचारियों का विनियमितीकरण, तमाम हमारे सरकार से जो मुख्य सचिव है स्तर से वार्ता हो चुकी है, तमाम बिंदुओं पर सहमति भी बनी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक शासनादेश जारी नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश का कर्मचारी समाज बिल्कुल आहत है। प्रदेश के प्रत्येक मंडलों में आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से, माननीय मुख्य सचिव जी से मैं निवेदन के साथ मांग करता हूं कि कर्मचारियों की जो वेतन विसंगति है, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली है, हमारे संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता करके उसका जो है यथाशीघ्र जो है हल कराने का कष्ट करें, ये हमारा निवेदन है। आउटसोर्सिंग और संविदा जो और ठेका प्रथारी को प्रथा को बिल्कुल बंद किया जाए, क्योंकि इसमें कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। काम कर रहे हैं उनका समायोजन किया जाए, जो आउटसोर्सिंग हो, संविदा पे हो, उनको जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो कर्मचारियों के बाद उनको कहीं किसी कार्यालयों में जहाँ इस विशेष विभाग में कार्य कर रहे हैं उसमें उनका समायोजन किया जाए। शासन को हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय हमारे मुखिया हैं प्रदेश के, माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से मैं निवेदन के साथ अनुरोध करता हूँ कि कर्मचारियों की समस्याएं यथावत बनी हुई हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द उसका कर्मचारियों के समस्याओं का निराकरण कराएं। संबंध हमारे जो परिषद के अध्यक्ष महामंत्री है, जो कार्यकारिणी है, उससे वार्ता करके उसका निराकरण कराएं, यही हमारी मांग है। अन्यथा पूरा प्रदेश का कर्मचारी अगला जो कार्यक्रम होगा वो अनिश्चितकालीन हड़ताल का होगा।